वालेकुम, मैं दीपा लीम, दीपा की दुनिया में आप लोग का वेलकम करती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ सैंडविच। तो बकरीद का तीसरा या चौथा दिन चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसका यूज किया जाए सैंडविच बनाने के लिए। तो आज मैं सैंडविच बना रही हूँ, उसकी रेसिपी आप लोग को दे रही हूँ। हो सकता आप लोग को रेसिपी पसंद है। तो इस वीडियो पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। लाइक करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे नया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने सैंडविच के लिए लिया है, ये देखिए बीफ जो बॉईल किया हुआ है। मैंने बॉईल किया हुआ था पहले से गोश्त को। और ये है टमाटर, ये प्याज है, और ये स्वीट कॉर्न है, ब्रेड हमने ली हुई है, और ये चीज़ है, और थोड़ी सी धनिये की पत्ती डालेंगे। तो इन सब चीज़ का यूज़ करेंगे अभी हम सैंडविच बनाने के लिए। फ्राई पैन चढ़ा दिया है, थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत थोड़ा सा डालेंगे। तो अभी हमने इसमें ऑयल डाल, तो अभी हम इसमें ये गोश्त डालेंगे हम लोग। हम लोग चार लोग के लिए बना रहे थे, क्वांटिटी कम है। आप अपने हिसाब से बनाएंगे कि आपके घर में जितने लोग हैं उस हिसाब से आप बनाएंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, गोल मिर्च और काला नमक है मैंने यूज किया। मेरा और ये हम प्याज डालेंगे और टमाटर। फिर इसके बाद हम इसमें कॉर्न डाल देंगे।
ये देखिए हमारे सैंडविच बनके रेडी हो चुकी है, तो अभी इसको निकाल। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी सैंडविच बनके रेडी हो गई है। आई होप आप लोग को पसंद आएगी रेसिपी। ये देखिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है, इजी है, क्विक है, बहुत जल्दी बनती है, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो आप लोग इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा घर में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हम लोग एंजॉय करते हैं इसको। बहुत ज्यादा टेस्टी है।